हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रितु जैन। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ रीनल स्टोन के बारे में। रीनल स्टोन जो होता है एक तरह का हार्ड मटेरियल होता है जो कि आपकी किडनी में फॉर्मेशन होने स्टोर होने लग जाता है, उसको अपन रीनल स्टोन्स बोलते हैं। जनरली इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, आपको पेन आना, एब्डोमन में बैक में पेन आना, बैक टू फ्रंट पेन आना, यूरिन के टाइम पे पेन, बर्निंग होना, ये आपके पता चलता है। देन इसके अलावा हीमेचोरिया होता है। हीमेचोरिया मतलब यूरिन में ब्लड आना। यूरिन में ब्लड जरूरी नहीं है कि आपको रेड कलर की यूरिन दे, समटाइम्स पिंक और ब्राउन कलर की भी रहती है। इसका जो रीजन होता है हीमेचोरिया का, वो होता है आपका जो हार्ड मटेरियल है, आपके स्टोन है, वो जब यूरिनरी ट्रैक या किडनी की वॉल से टकराता है तो वहां पर स्क्रैचेस करता है। उस स्क्रैचेस की वजह से वहां ब्लीडिंग होती है। तो जितना ज्यादा स्क्रैच होता है, कम होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए समटाइम्स जरूरी नहीं कि रेड कलर ही आपको यूरिन में दिखाई दे। तो हीमेचोरिया भी मिलता है। देन अगर इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, और इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसमें फीवर, नौशिया भी मिलता है। देन डिहाइड्रेशन वालों को ये ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी आपको मिलेंगे ही। देन अगर रिस्क फैक्टर्स में आते हैं तो ये उन लोगों को ज्यादा होता है, एक तो हेरिडिटरी, अगर आपके पेरेंट्स में आपका टेंडेंसी है स्टोन्स बनने की, तो समटाइम्स हेरिडिटरी की वजह से भी आपको स्टोन्स बनते हैं, जेनेटिक कॉज हो जाता है। देन उसके अलावा जो लोग डाइट्रिक डिस्टर्बेंस रहता है, जो ज्यादा हाई रिच डाइट्स लेते हैं बट प्रॉपर डाइजेशन नहीं है, पानी ज्यादा नहीं पीते, तो उसकी वजह से भी फॉर्मेशन होने लगते हैं। और जिन लोगों को डिहाइड्रेशन रहता है, बहुत कम पानी पीते हैं, देन गाउट होता है, जिन लोगों को ट्रोमेटिज्म होता है, उन लोगों को भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उस गाउट वगैरह में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी में, यूरिक एसिड के भी स्टोन फॉर्मेशन करता है, तो उसकी यूरिक एसिड फॉर्मेशन होने लग जाता है। देन अगर अपन इसमें डायग्नोसिस में जाएंगे, तो डायग्नोसिस अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं अगर पेन लेके और इन्फेक्शन लेके, हीमेचूरिया लेके, तो ये सिम्टम्स रीनल स्टोन के ही होते हैं। बट फिक्स अगर आपका डायग्नोसिस चाहिए है तो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करानी पड़ेगी। अल्ट्रासोनोग्राफी में आपका कन्फर्मेशन मिलता है कि आपका स्टोन है या नहीं है। और सबसे मेन जो उसका जरूरी होता है डायग्नोसिस का, क्योंकि आपका क्या साइज है, क्योंकि साइज पे डिपेंड कर जाता है आपके ट्रीटमेंट का। अगर आपका साइज 10 के बिलो है, अगर आपका 6-7 तक है, तो ये इजिली ही वाटर इनटेक और डाइट्रिक कंट्रोल से ये पास आउट हो जाता है। बट अगर ये 10 mm से अबव है, 10 mm से अबव होना मतलब आपको कहते हैं मेडिसिनल रिक्वायरमेंट जरूरी है, बिना मेडिसिन रिक्वायरमेंट के ये ठीक नहीं, पास आउट नहीं होगा। तो इसमें जनरली होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। और जिन लोगों को लेजर के थ्रू बार बार स्टोन्स निकलवाने के बाद फिर से फॉर्मेशन हो जाता है, उनके लिए तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोन को पास तो करती ही करती है, उसके साथ साथ उसके फॉर्मेशन को भी रोकती है कि आपको फॉर्मेशन ना हो बार बार। और इसमें आपको डायग्नोसिस और इसमें आने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के साथ साथ आपको वाटर इंटेक तो बढ़ाना ही पड़ेगा। वाटर इंटेक आपको काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इससे आपकी यूरिन भी क्लियर होगी और उसमें एक फोर्स मिलेगा स्टोन को पास करने के लिए। साथ ही साथ डाइटिक भी आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे कि जो चीजें आपकी कैल्शियम या आयरन से बनी हुई होती हैं उनको थोड़ा सा कम करना, जैसे कि बीट्स होते हैं, स्पेनिश होती है, पालक होती है, इन सब चीजों के पोटेशियम जो होता है आपका, पोटैटोज जो होते हैं, ये सब चीजें फॉर्मेट करते हैं, ये भी हेल्प करते हैं स्टोन बनने में। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीलेट का स्टोन बना है तो आपको एनिमल जितना भी फैट होता है आपका, ये बीट रूट्स होते हैं, ये सब चीजों से फॉर्मेट होता है। अगर आपका यूरिक एसिड से बना हुआ है तो उसमें आपको बर्निंग, जलन, यूरिन का कलर चेंज, ये सारी चीजें मिलते हैं। देन अगर अपन इसमें ट्रीटमेंट में आते हैं तो ट्रीटमेंट में वही आपको बताया होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ बताती हूँ मैं आपको। जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन होती है होम्योपैथिक में, जो कि आपके रीनल स्टोन को बाहर पास आउट करती है। और साथ में अगर आपके सिम्टोमेटोलॉजी इसमें मेन होता है कि आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग किया जाता है ट्रीटमेंट, अगर आपको बर्निंग वगैरह भी साथ में है तो उसमें कैंथरिस मेडिसिन हो जाती है, अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंस है साथ में तो लाइको मेडिसिन हो जाती है। ऐसे काफी सारी मेडिसिन आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही चलती है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है, और अगर आपके आसपास कोई डॉक्टर्स नहीं है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन मेरे जीमेल आईडी पे। थैंक यू।